इस वीडियो में हाफ बाजू का बहुत ही सिंपल डिजाइन बनाने का तरीका बता रही हूँ। जैसे हमने ये हाफ बाजू है, इसका हमने कटिंग कर रखा है। इसके लिए हम इसमें डिजाइन के लिए हमने ये बुकरम की पट्टी काटी है। पट्टी 1 इंच से थोड़ी ज़्यादा है, अगर आप चाहो तो आप इससे कम या ज़्यादा कर सकती हो। ये 1.25 इंच चौड़ी पट्टी है और लंबाई आप जैसे आपके हाथ की गोलाई होगी उसी के अनुसार लेंगे। मैंने ये 2 पट्टी काटी है दोनों बाजू के लिए। अब हम इस पट्टी को ऐसे करके दोनों को बराबर ऐसे मोड़ के, ये हमारी पट्टी का बीच आ गया। इसमें हम ऐसे एक हल्का सा डिजाइन बनाएंगे, थोड़ा कट लगाएंगे पट्टी में। हम इस तरह से थोड़ा कट लगाएंगे, ऐसे गोलाई वाला कट, ऐसे इसकी हम ऐसे कटिंग कर देंगे। ये हमारी पट्टी का कटिंग हो गया। इसके बाद हम इसको पट्टी पर लगाएंगे। जैसे ये हमारा कपड़ा है, ऐसे ये सीधी हमने डबल पट्टी कर रखी है, इसको इसके ऊपर रख के ऐसे इसकी बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे, थोड़ा इससे थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे ऐसे। ये हमने दोनों पट्टी ली है, इसको भी अलग कर लेंगे। दोनों बुकरम की पट्टियाँ है जो नीचे लगेगी ऐसे। ये 2 पट्टियाँ है, इसके ऊपर हम ऐसे सिलाई करेंगे जैसे हम जब गला बनाते हैं तब सिलाई करते हैं, ऐसे किनारे पर ही सिलाई लगाएंगे ऐसे। इसको ऐसे चारों तरफ सिलाई लगाएंगे, इसके दोनों पट्टियों पर ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। जैसे मैंने दोनों पट्टियों पर सिलाई लगा के तैयार कर दिया, सिलाई मैंने ऐसे एकदम किनारे पर लगाई है दोनों साइड। अब जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको निकाल देंगे, कपड़े को थोड़ा हम छोड़ के निकालेंगे ऐसे ऐसे। इस तरह से हम ये सारा कपड़ा, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे। जैसे मैंने दोनों पट्टियों से हम ऐसे ही कपड़े को हटा देंगे। इसके बाद हम इसमें पाइपिंग वाली पट्टी लगाएंगे। जैसे मैंने ये पाइपिंग वाली पट्टी की कटिंग की है, जो जोड़ था ये जोड़ भी लगा लिया ऐसे। इसके बाद हम इसमें ऐसे पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग या आप सिंगल लगा सकते हैं या आप ऐसे डबल करके भी लगा सकते हैं ऐसे, इस तरह से। इस साइड भी पाइपिंग लगाएंगे हम ऐसे ही गोलाई में पाइपिंग लगाएंगे, और सीधी साइड भी, दो इधर भी और इधर भी, दोनों साइड पाइपिंग वाली पट्टी लगाएंगे। पाइपिंग आपको ऐसे खींच के बारीक लगानी है ऐसे, जैसे मैंने और वीडियो में बताया है आपको। और सिलाई भी हम एकदम बिल्कुल किनारे पर लेंगे, दोनों पट्टियों पर हम ऐसे ही पाइपिंग लगा देंगे। जैसे मैंने दोनों पट्टियों पर पाइपिंग वाली पट्टी लगा के तैयार कर दी ये ऐसे। इसके बाद हम इसकी पाइपिंग बनाएंगे। पाइपिंग हम इस तरह से बनाएंगे, ऐसे इसको पकड़ के ऐसे करके और ऐसे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड की पाइपिंग हम ऐसे ही बना देंगे ऐसे। जैसे मैंने दोनों पट्टियों पर ये पाइपिंग बना के तैयार कर दी दोनों तरफ। अब हम इसको, जैसे ये बाजू है, बाजू में मैंने बारीक सिलाई लगा के बारीक कन्नी मोड़ दी ऐसे। तो अब हम इसके ऊपर इसको रख के ऐसे दोनों हिस्सों को ऐसे बराबर करके ऐसे, और जैसे हमने पाइपिंग लगाई है, जहाँ हमने पाइपिंग वाली सिलाई लगाई है, ऐसे ही सीधी सिलाई लगा देंगे इस साइड भी, ऊपर की साइड भी, दोनों बाजू में। ये हमारे दोनों बाजू पाइपिंग लग के तैयार हो गई। इसके ऊपर जो हमने कट वाला निशान लगाया था उस पर हमने बटन लगा दिए। ये डिजाइन आप हाफ बाजू या पौनी बाजू या फुल बाजू पर भी बना सकते हो। वैसे ही बहुत सिंपल डिजाइन है, आप आराम से बना सकते हो। सब्सक्राइब नाउ।
and press the bell icon. Never miss an update.